गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, कक्षा 10 की हिंदी की कक्षा में आज मैं आपको संस्कृत खंड से दूसरा पाठ वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ को पढ़ाऊंगी। तो पाठ इस पाठ प्रकार से है। इस पाठ में सिकंदर और पुरुराज के बीच में जो बात होती है उसको प्रस्तुत किया गया है। तो पाठ इस प्रकार से है। स्थानम अलछेंद्रस्य सैन्य शिविरम, अलछेंद्रा अंबिका च असीनो वर्तते, वंदिना पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति। स्थान सिकंदर का सैनिक शिविर, कहाँ पर बात हो रही है? जहाँ पर सिकंदर का सैनिक शिविर लगा हुआ है। सिकंदर और अंबिका बैठे हैं, बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति विजयंता सम्राट, सेनापति कहता है सम्राट की जय हो। पुरुराज एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, पुरुराज कहते हैं यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलछेंद्रा साक्षेपम अहो बंधन गता अपि आत्मना वीर इति मान्यसे पूर्वराज, सिकंदर आक्षेप सहित अरे पुरुराज बंधन में पड़े हुए हो, हुए भी अपने वीर अपने को वीर मानते हो। पुरुराज यवन राज सिंहस्थ सिंह ए वने वा भवतु पंजरे वा, पुरुराज हे यवन राज सिंह तो सिंह ही है, वन में हो अथवा पिंजरे में। अलछेंद्रा किंतु पंजरस्थ सिंगा ना किमपि पराक्रमते, पुरुराज सिकंदर किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं करता है। पुरुराज पराक्रमते यदि अवसरा लभते अपि च यवन राज, पुरुराज कहते हैं पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है। हे यवन राज बंधन मरण वापी जयो वापी पराजया अभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता, यवन राज कहते हैं बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। धन्यवाद।